जरीपटका पुलिस स्टेशन के हद में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली युवती को शादी के सपने दिखाकर जबरन प्रेम संबंध बनाने वाले आरोपी पर जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही। आरोपी ग्रामीण पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी का बेटा बताया जा रहा। पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय युवती ने जरीपटका थाने में आरोपी फाल्गुन सतीश रिंगने के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पीड़ित युवती ने पुलिस को कहा है कि उसकी आरोपी से एक निजी अस्पताल में जान पहचान हुई। अस्पताल में आरोपी लैब टेक्नीशियन का काम करता था। 16 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान आरोपी ने युवती से दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी के सपने दिखाकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती के गर्भवती होने की बात पता चलने पर उसका गर्भपात भी किया, जिसके बाद शादी करने की बात पर युवती से मारपीट की और अंत में इनकार कर फरार हो गया। पीड़ित युवती की शिकायत पर उपनिरीक्षक रोठे ने फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जरीपटका पुलिस स्टेशन के हाथ में 24 वर्षीय महिला के साथ शादी का आमिष दिखाकर उसके साथ वारंवार शारीरिक संबंध रखने के आरोप पे आरोपी फाल्गुन सतीश रिंग ने उम्र 34 साल रहना डोंगरगांव इनके खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उन्होंने शादी का बहाना करके उनको शादी का बहाना करके वारंवार उनके साथ शारीरिक संबंध की है, उसको मारपीट स्वीकार की है। इसी आधार पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज है। गुने का तपास सहायक पुलिस निरीक्षक सुनीता काले पुलिस थाने जरीपटका एक करीता है। अविनाश तुतड़े की रिपोर्ट, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।